गाइस तो आज ये देखिए हमारा गुड़ है, ये हमने इसे गुड़ की चाशनी बना ली है। इसे हाई फ्लेम पर रख के आप ऐसा करके देख सकते हैं कि इसकी सही है, हो गया है क्या गुड़। आप इसे मिलाते रहिए थोड़ी थोड़ी तेल में। तो आज हम तिल्ली और मूंगफली की पट्टी बना रहे हैं। तो ये देखिए हमने ये गुड़ कर दिया है, आज आपको अभी दिखा दिया था। और ये देखिए ये हमारी तिल्ली और मूंगफली के दाने हैं। तो ये हम इन दोनों के मिक्स बना रहे हैं पट्टी, गुड़ पट्टी बना रहे हैं इन दोनों के मिक्स। ये बहुत टेस्टी भी रहती है, इन्हें हमने सेक लिया है और हेल्दी भी रहती है आपकी हेल्थ के लिए। आज तिल चतुर्थी है तो आज हमारी दादी स्पेशली तिल की पट्टी बना रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा गुड़ रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम हमारे मूंगफली के दाने और तिल डाल देंगे, तिल्ली डाल देंगे। अब ये देखिए हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसका गैस को बंद कर दीजिए आप, और आप अच्छे से इसे मिलाते रहिए। और ये देखने में भी और टेस्ट में भी बहुत टेस्टी रहती है। अब वापस आप गैस को जला दीजिए, देखिए ये जला दीजिए आप गैस को फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर, और फिर इसे मिलाते रहिए अच्छे से। क्योंकि टेस्ट जो मूंगफली का और तिल्ली का है, और तिल्ली आप मिला सकते हैं फॉर योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है। आपको जो तिल्ली की जो पट्टी है उसके अंदर गुड़ ज़्यादा चाहिए, मूंगफली ज़्यादा चाहिए, या सभी नॉर्मल चाहिए, आपकी मर्ज़ी है, आप जितना भी कुछ भी डालें। ये देखिए ये लगभग रेडी हो गया है। ये देखिए ये हम ना इसके अंदर हम तिल पट्टी को जमाने वाले हैं। तो इसे हमने घी से अच्छे से रख लिया है, घी से पूरा डाल कर दिया है। और ये देखिए ये हमने डाल दी इलायची और इसे अब अच्छे से मिलाएंगे। घी से करने का यह मतलब था उसके अंदर कि तिल जो तिल्ली की जो हम पट्टी बना रहे हैं वो चिपके ना आए, क्योंकि चिपकने से दो चीज़ें होती है, आपका शेप गंदा हो जाता है, शेप बिगड़ जाता है। और ये देखिए अब हम डाल देंगे, शेप बिगड़ जाता है और चिपकी रहती, तो फिर वो इतनी दम लगाता है निकालने में तो वो अच्छा भी नहीं लगता। ऐसे ऐसे फैला लीजिए और फैला के हम अच्छे से, ये देखिए कितनी स्वादिष्ट लग रही है। और सूखने के बाद जब इसे ये खाने को मिलेगी जब, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये देखिए कितनी अच्छी है ये। ये देखिए गाइस ये हमने पट्टी पूरी तरह से तैयार है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये टेस्टी लग रही है कि नहीं, मुझे तो बहुत लग रही है और मैं इसे खाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी मुझे लग रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, बाय बाय।